हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। और आज की जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है हमारी जो हंट फॉर बेस्ट पबजी मोबाइल ईयरफोन्स की जो सीरीज में। और इससे पहले मैंने यहाँ पर जो प्लेक्सटोन के G20 की एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो चेक नहीं करी तो जाके चेक कर लेना, लेकिन अभी मत करना, अभी पहले ये वाली वीडियो देख लो उसके बाद चले जाना। और उस वीडियो में यार बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट करके बोला था कि यार आप थोड़े और चीप यार ईयरफोन्स बताओ जो गेमिंग के लिए अच्छे हो। तो चीप यार लाइफ में थोड़ा होना जरूरी भी है, और ये वो वाला चीप भी नहीं है जो आपकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि भाई ए यू आर सो चीप। चीप की जो डेफिनेशन है यार वो सबके लिए अलग अलग होती है। आप अंबानी से पूछोगे कि भाई चीप क्या है तो बोलेगा 5,000 रुपये उसके लिए चीप है। तो ऐसी आप लोगों में से यार बहुत सारे लोग होंगे जो 50 रुपये की या फिर 200 रुपये 300 रुपये वाले ईयरफोन्स से जो गेमिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी कर लेते हो। और उसी को यार दिमाग में रख के आप लोगों के लिए यार आज की जो वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों ने यार नीचे यार बहुत सारे ऐसे सजेशंस भी दिए कि कौन कौन से जो ईयरफोन्स हैं आप इस रेंज में खरीद सकते हो। उसी में से जो एक ईयरफोन्स थे जो मुझे यार बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर रिकमेंड किए वो है पीट्रॉन के ये बूम 2। और ये जो ईयरफोन्स हैं वैसे गेमिंग ईयरफोन्स नहीं है, इसमें थोड़े से अलग फीचर हैं। और ये वाले जो ईयरफोन्स हैं मैंने अमेजॉन की जो सेल से ऑर्डर किए थे तो थोड़ा सा और यहाँ पर मुझे चीप मिल गए थे। और स्पॉइलर अलर्ट, ये जो ईयरफोन्स हैं मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ और सच बोलूँ तो यार गेमिंग के लिए काफी जबरदस्त है, स्पेशली पबजी के लिए। और इन ईयरफोन्स का जो प्राइस है यार वो यहाँ पर सीक्रेट है, सीक्रेट नहीं है, यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा इसका प्राइस, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो आप अभी यहाँ पर नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके मेरे को लगता है कि लेने चले जाओगे। तो पहले यार वीडियो पूरी देख लो और उसके बाद यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये खरीदने हैं या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अब इसके अनबॉक्सिंग से। तो ये रहा हमारा बॉक्स और यहाँ पर इसके ऊपर कुछ फीचर्स भी लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पर ड्यूल ड्राइवर ईयरफोन्स हैं। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल ईयरफोन्स में आपको एक ही ड्राइवर होता है और यहाँ पर आपको ड्यूल ड्राइवर्स हैं, मैं इसके बारे में आगे समझाऊंगा। और यहाँ पर 4D मूविंग कॉयल, अब इसका मुझे नहीं पता कि क्या मतलब है 4D, 4 डायमेंशंस यहाँ पर किस चीज़ को बोल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ लिखा है वर्ल्ड क्लास मोबाइल ऑडियो और 1 साल की वारंटी मिलती है। और पीछे अगर आप इसका प्राइस देखोगे तो वो यहाँ पर लिखा है 1700 रुपये, लेकिन डोंट वरी इतने के नहीं है, चीप है जैसे मैंने आपको पहले बताया। और मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों की रेंज में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स वगैरह हैं और अलग अलग कलर्स में आपको देखने को मिलते हैं, तो इसको ओपन ही कर लेते हैं और उसके बाद इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और पैकेजिंग है इस प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि यार काफ़ी अच्छी खासी है। तो ये हमारे हो गए हैं बॉक्स ओपन। तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है और इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो ये रहे हमारे ईयरफोन्स। सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पर कुछ एक छोटा मोटा यहाँ कुछ मैसेज है, बी लाउड बी प्राउड हेडफोन्स और ये सब। तो ईयरफोन्स कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं पैकेजिंग वाइज। और इसको भी निकाल लेते हैं एक बार ईयरफोन्स को और साइड में रख लेते हैं और उसको हम बाद में देखेंगे। और उसके अलावा आपको यहाँ पर बॉक्स में कुछ ईयर टिप्स भी दिए गए हैं। तो ईयर टिप्स यहाँ पर आपको शायद यहाँ पर है 3 पेयर हैं ईयर टिप्स के, तो आप इनको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मैं साइड में रख लेता हूँ। अब सीधा आते हैं ईयरफोन्स की तरफ। तो ईयरफोन्स कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं और ये मैंने यहाँ पर मंगाए थे रेड कलर में। और डिज़ाइन वाइज तो यार ये काफ़ी अच्छे खासे हैं, मुझे डिज़ाइन से कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी यहाँ पर प्लास्टिक की सी है। लेकिन जो इसका प्राइस है वो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छी खासी है। अब एक बार वायर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो वायर है वो यहाँ पर ग्रेडेड केबल नहीं है, आपकी नॉर्मल वायर की तरह है, जैसे आपके जो कपड़े सुखाने वाली जो बंजी होती है ना उसी तरह है। यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर ऐसे ट्विस्टेड टाइप की केबल है। और केबल की जो मैं अगर क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी खासी है और थोड़ी थिक वायर भी है, मोटी वायर है। तो यहाँ पर टूटने वूटने का मुझे लगता नहीं है किसी तरह का कोई इशू आएगा। और यहाँ पर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक भी दिया गया और ये गोल्ड प्लेटेड है और उस पर पीट्रॉन की ब्रांडिंग वगैरह की गई है। और उसके अलावा बीच में आपको यहाँ पर वॉल्यूम स्लाइडर कंट्रोलर भी दिया गया है, जैसे आपको गेमिंग ईयरफोन्स में देखने को मिलते हैं। वैसे गेमिंग ईयरफोन्स नहीं है लेकिन स्टिल यहाँ पर आपको इस तरह का कंट्रोलर दिया गया है जिससे आप जो स्लाइड करके अपनी वॉल्यूम है घटा बढ़ा सकते हो, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पर एक बटन भी है जो आप कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो और माइक दिया गया है। तो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर वायर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी खासी है, वायर मुझे काफ़ी सही लगी। और यहाँ पर जो ईयरफोन का स्टाइल है वो थोड़ा सा यहाँ पर अलग है बाकी ट्रेडिशनल ईयरफोन से। नॉर्मली जो ईयरफोन्स होते हैं वो आपके थोड़े गोल से होते हैं, यहाँ पर ये लंबे से हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ड्यूल ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखा पाऊँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा बैक है और यहाँ पर दो दो ड्राइवर्स हैं, और उसी वजह से इसके जो साउंड क्वालिटी है वो यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। और यहाँ पर जो ईयर टिप्स है वो भी यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर फिट भी काफ़ी अच्छे खासे होने वाले हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या क्या फ़र्क है ड्यूल ड्राइवर्स में और नॉर्मल यहाँ पर ईयरफोन्स में। तो यहाँ पर आपको दो दो ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं और ऊपर वाला जो ड्राइवर होगा वो यहाँ पर आपके बेस उसको यहाँ पर ये हैंडल करता है, जैसे एक्सप्लोजन्स हो गया या फिर अगर म्यूजिक की बात करो तो उसमें जो जैसे बेस होता है वो यहाँ पर ये हैंडल करता है जो ऊपर वाला ड्राइवर है। और जो नीचे वाला जो ड्राइवर है, जैसे अगर गेमिंग में आपकी पबजी है तो वहाँ पर
जैसे फुटस्टेप्स हो गए या फिर गनशॉट्स हो गए, म्यूजिक में आपका जो ट्रेबल रहता है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो यहाँ पर नीचे वाला जो ड्राइवर है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। तो दोनों अलग अलग यहाँ पर साउंड जो ड्राइवर प्रोड्यूस करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर मफल्ड नहीं होती हैं साउंड। तो ये जो डूल ड्राइवर का एक फायदा रहता है, और गेमिंग में इसका एडवांटेज भी आपको देखने को मिल जाएगा जब इसको टेस्ट करेंगे। तो अब जो ये ईयरफोन से एक बार टेस्ट कर लेते हैं, तो मैंने अपने जो यहाँ पर ROG फोन में ऑलरेडी यहाँ पर PUBG स्टार्ट कर ली है, तो मैं अपने जो ईयरफोन है यहाँ पर लगा लेता हूँ और देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो मैंने जो अपने ईयरफोन यहाँ पर लगा लिए हैं, और इसकी बार वॉल्यूम भी फुल करके देख लेते हैं। तो वॉल्यूम 100% पे यहाँ पर काफी लाउड है, और एक बार मैं इसको थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो प्लेक्सटोन के G20 यहाँ पर मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी वो भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ये उससे ज़्यादा यहाँ पर लाउड है। तो सबसे पहला इनिशियल इंप्रेशन तो यही है। तो मैं यहाँ पर एक बार एक नॉर्मल गेम चालू कर लेता हूँ और देखते हैं इसमें यहाँ पर किस तरह की आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। तो एरेंगल यहाँ पर खेलेंगे स्क्वाड में और एशिया सर्वर पर, तो स्टार्ट कर लेते हैं गेम। तो वैसे यार काफ़ी आइसोलेटेड सी प्लेस पर हमने लैंड किया था, और अभी तक तो इतना ज़्यादा कोई बंदे मिले नहीं, एक आधा बॉट मिला था वो हमने ऑलरेडी मार चुके हैं। तो इनिशियल जो मैं अपने इंप्रेशन बताऊँ, तो यहाँ पर जो साउंड जो इसका सिग्नेचर है वो यहाँ पर काफ़ी फ्लैट है, यानी कि आपको इतना ज़्यादा बेस नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही इतना ज़्यादा ट्रेबल भी है, वो इतना ज़्यादा बूस्टेड नहीं रहेगा। तो मैं यार इससे पहले एक ही जी के जो सैमसंग के यहाँ पर नॉर्मल कहीं आसपास है, रुको जरा, तो मैं इससे पहले AKG के जो ईयरफोन्स है मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा था, उनकी साउंड क्वालिटी और इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि सिमिलर है, वो भी फ्लैट एक तरह से उनका जो साउंड जो सिग्नेचर रहता था, और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। और इसकी वजह से होता क्या है कि आपकी जो साउंड है जैसे फुटस्टेप की या फिर जो गन शॉट्स रहते हैं या फिर एक्सप्लोजन्स रहते हैं वो काफ़ी क्लियर रहते हैं, जो कि गेम्स के लिए मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यानी कि इन ईयर जो मॉनिटरिंग जो ईयरफोन्स होते हैं, आप अगर PUBG के लिए वो ईयरफोन्स यूज़ करना चाहते हैं तो मेरे को लगता है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो PUBG के लिए मुझे ये जो ईयरफोन्स हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मतलब इस प्राइस के हिसाब से तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट रहूँगा मैं बोलूँगा। तो यहाँ आ गए हम मिलिट्री एरिया में, तो यहाँ कुछ फाइट देखने को मिलेगी क्योंकि जो फाइनल जोन है वो यहीं बन रहा है मुझे लगता है, तो लास्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पर अब गेम प्ले के साथ थोड़ा छोड़ देता हूँ और चुप हो जाता हूँ थोड़ा, और अगर चिकन डिनर निकाल पाए तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया गेम थी वैसे तो ये, 7 प्लेयर मारे मैंने। और अगर ईयरफोन्स की क्वालिटी की बात करूँ तो यार एक एक यहाँ पर डायरेक्शंस आप इजीली बता सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, गन शॉट्स की डायरेक्शन भी, हर सारी चीज़ें। और डेफिनेटली यार अगर आपको पबजी के लिए जो ईयरफोन्स अगर चाहिए हो तो मैं डेफिनेटली आपको ये रिकमेंड करूँगा। और इन ईयरफोन्स को अगर आपको खरीदना होगा मैं इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 399 रुपये। तो इस प्राइस पर मुझे लगता है कि ये जो ईयरफोन्स हैं यार ये काफ़ी ज़बरदस्त हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर जो ड्यूल ड्राइवर्स का इन ईयरफोन्स में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और काफ़ी क्लैरिटी रहती है वो साउंड की, वो काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। और मुझे लगता है कि अगर आपको ईयरफोन्स लेने हो इस प्राइस पे तो ये जो ईयरफोन्स हैं ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। और अब मैं बात करूँ इन ईयरफोन्स की रेटिंग्स की, तो यहाँ पर अगर आप PUBG खेलते हैं तो यहाँ पर मैं 4 रेटिंग दूंगा 5 में से, और अगर आप दूसरी गेम्स खेलते हैं तो यहाँ पर मैं उसको दूंगा 3.5-4 में से, क्योंकि इतना ज़्यादा ये बूमी नहीं है, बेस नहीं है। अगर आप इस तरह की गेम्स खेलते हैं जिसमें यार बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन्स या फिर आपको थोड़ा साउंड अच्छा और खासा चाहिए, जो इमर्जन थोड़ा और अच्छा चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि ये ईयरफोन्स नहीं है, गेमिंग ईयरफोन्स डेफिनेटली ये वैसे भी नहीं है, लेकिन PUBG के हिसाब से ये जो ईयरफोन्स हैं काफ़ी आप अच्छे से इसमें PUBG खेल सकते हैं, और साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर क्रिस्प क्लियर साउंड क्वालिटी मिलेगी, फुटस्टेप्स और गन शॉट्स आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तो थे यार P-Tron के Boom 2। मुझे यार काफ़ी अच्छे ईयरफोन्स लगे, साउंड जो है इसकी काफ़ी क्लियर है, क्योंकि इस रेंज में जितने भी मैंने ईयरफोन्स टेस्ट किए हैं वो उनमें यार PUBG जैसी जो गेम में इतनी क्लैरिटी जो साउंड रहती है वो इतनी नहीं रहती है, लेकिन इन ईयरफोन्स में यार काफ़ी अच्छी खासी है।
तो आपको कैसे लगे ईयरफोन्स मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और आपके भी कुछ सजेशन हो कोई ईयरफोन्स आप देखना चाहते हैं उसका रिव्यू इस सीरीज में तो वो भी मुझे बता देना। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, साथ में आपको हमारा चैनल पसंद आया, आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोस लेके आऊं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं अमन आपको मिलूंगा अगली बार। क्या हो रहा है? तो स्टार्ट करते हैं अब इसके अनबॉक्सिंग से।